ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आप आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, आप कुशल मंगल होंगे और भोलेनाथ आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ रखें, आपको हमेशा खुश रखें। बस मेरी यही दुआ है दोस्तों। अगर आप वर्तमान में कोई तकलीफ़ या परेशानी से गुजर रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फ़ीस, उसका शुल्क लागू है दोस्तों। आपको कभी भी ये बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। जब भी ये बातें लोगों को पता लग जाती है, इससे हमारी कई सारी परेशानियां बढ़ जाती हैं और आप जाने अनजाने में ये बातें लोगों को बता ही देते हैं और फिर बाद में आपको पछताना पड़ता है। मैं ये वीडियो इसलिए ये बात आपको कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जातक इन गलतियों को करने के बाद फिर कहते हैं कि हमें इन गलतियों को सुधारने के लिए कुछ कहें। खैर, गलती हो जाए उसके बाद भी हम चीज़ों को कैसे सही करें वो भी बताऊँगा, लेकिन इन बातों को अगर हम बता ही नहीं तो उससे हम एक बहुत बड़ी परेशानी से पहले ही बच सकते हैं दोस्तों। तो इस पूरे वीडियो को देखें और चीज़ों को बहुत बारीकी से समझें तो शायद आपकी इसमें कुछ अच्छी मदद हो पाए। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जो आपका मन हो आप वो कमेंट्स में लिख सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ ही अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहे, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात जो कभी भी आपको जाने अनजाने में किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है आपका धन। जैसे आप लोगों को धन के बारे में अपने बता देते हैं, लोग आपसे मदद मांगते हैं, लोग अपनी झूठी परेशानी लेकर आपसे पैसे ले सकते हैं, उन्हें पैसों का कुछ ना कुछ काम पड़ ही जाता है और आपसे वो पैसे की डिमांड करते हैं, फिर आप पैसे दे देते हैं क्योंकि आप तो बहुत भावुक हैं, बहुत सरल हैं, और बाद में अपने ही पैसों के लिए उनके सामने आपको गिड़गिड़ाना पड़ता है, मांगना पड़ता है और आप खुद शर्मिंदा होते हैं और एक समय ऐसा आता है कि पैसे मांगना ही आप छोड़ देते हैं। ऐसा आपके साथ कई बार हुआ है या कई बार हो सकता है, हमारे ही पैसे फंस जाते हैं। इसलिए कभी भी जाने अनजाने में अपने धन का प्रचार न करें, धन का प्रसार न करें। जो है ठीक है, हमारे पास है, हमारा जीवन चल रहा है, बहुत है, बाकी सब चीज़ें होती रहेगी। दूसरी बात होती है गुप्त रहस्य। बहुत सारे जातक अपने मन की जो भी उद्गार होते हैं वो हर एक किसी को बताना शुरू कर देते हैं बिना किसी व्यक्ति को जाने समझे, और बस लोग उसी का मिसयूज़ करते हैं। आप अपने आप को अगर एक बार बैठकर चीज़ों को समझेंगे, कहें अपने मन में जो भी दिक्कत है, परेशानी है, वो लोगों से कहनी चाहिए, लेकिन बहुत सिलेक्टेड लोगों से कहनी चाहिए, जो लोगों पर आपको पूरा यकीन हो, जो आपके हो, उन्हीं लोगों को कहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर एक किसी व्यक्ति को आप कह रहे हैं और वो उस चीज़ का कई बार हम मजाक भी बन जाते हैं, कई बार हमें उसके लिए कई सारी परेशानियाँ झेलना पड़ती है, तो ऐसा ना करें। तीसरा है मंत्र जप। कभी भी मंत्र जप किसी से शेयर नहीं करना चाहिए कि हम कितने मंत्रों का जप करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप मंत्र जप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र लें और उसका जप करें, आपको बहुत बहुत फ़ायदा इससे होगा दोस्तों।